राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी सभा में हम लोग अलग अलग वार्डों पर जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में भी गए थे और निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता आतुर है कि उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए। उनके काम को पूरे देश की जनता ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज भारतवर्ष को गौरवशाली बनाने का काम किया है, चाहे भारत को शक्तिशाली बनाने की बात हो, चाहे भारत को आर्थिक विकास के मामला हो, चाहे भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, उसी के साथ साथ गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझती है और भारतीय जनता पार्टी जो काम बोलती है उसको करती है। अभी मोदी के गारंटी के नाम से हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था और 3 महीना में ही इतना बड़ा वादा को पूरा करना सरकार के लिए कठिन काम रहता है। बाकी हमारे विष्णुदेव सरकार ने 3 महीना में उसको पूरा किया है, चाहे 18 लाख आवास बनाने की स्वीकृति हो, चाहे हमारे किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे हमारे किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे महतारी बंधन योजना के माध्यम से बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपया साल की 12000 देने की बात हो, इस तरह से बड़े बड़े वादा को प्रधानमंत्री आवास का भी स्वीकृति मिल गया। इस तरह से बड़े बड़े जो वादा थे हमारे उसको 3 महीने में विष्णुदेव सरकार ने मोदी के गारंटी को पूरा किया है और भी हमारा जो छोटे मोटे घोषणा पत्र बाकी है उसको भी हम लोग आचार संहिता के बाद उसको भी पूरा करेंगे। जितना भी घोषणा पत्र में था 100% पूरा होगा और देश की जनता जानती है कि मोदी जो बोलते हैं उसको करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के जनता भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं और हम लोग राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के पूरा 11-11 सीट जीतेंगे। यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और आज राजनांदगांव में चुनाव लड़ने आए हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहते राजनांदगांव का कोई विकास उन्होंने ही नहीं किया, उल्टा विकास जो हुआ था उसको रोकने का प्रयास किया, योजनाओं को बंद किया, 5 साल खाली भ्रष्टाचार का काम किया। मैं कोरबा से आता हूँ, कोरबा से ही कोयला का खेल शुरू उन्होंने किया, आज उनके अधिकारी कोयला के कारण जेल में अंदर हैं, सड़ रहे हैं। और इस तरह से भूपेश बघेल, मैं तो समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री होगा तो भूपेश बघेल के नाम गिनती में आएगा हर क्षेत्र में। यहाँ तक के प्रधानमंत्री गरीबों को चावल दे रहा है उसमें भी करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया, गोबर में घोटाला, गोठान में घोटाला, हर क्षेत्र में घोटाले तो किया है, 5 साल में क्या किया। 36 प्रकार को उन्होंने वादा किया था कि हम बहनों को 500 रुपये प्रति महीना देंगे, वृद्ध माता पिता को 1000 देंगे, बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देंगे, 36 प्रकार के वादा किए थे और 36 वादा में एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। अभी उल्टा जब इनका धरातल पर कुछ नहीं बचा है, न यहाँ पर सरकार है न केंद्र में सरकार है, अब बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया महीना देंगे, कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपया पहना, वो भ्रष्टाचार करके जो अरबों खरबों कमा कर रहे हैं उसको बांटेगा, तो अभी चुनाव के समय उसको बांट देना चाहिए जनता को। भ्रष्टाचारी है पूर्ण रूप से भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता इस बार सबक सिखाएगी, एक वोट के लिए उसको तरसाएगी।